और अब बात करते हैं रीवा की, जहां भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति रीवा द्वारा आचार्य बालकृष्ण महाराज का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विदित हो कि आचार्य बालकृष्ण महाराज के जन्मदिन 4 अगस्त को पूरे देश में भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कल्याण के लिए हवन पूजन के बाद औषधीय पौधे का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारत स्वाभिमान के रीवा जिले के प्रभारी डीएल सिंह, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी रामाधार विश्वकर्मा, युवा भारत प्रभारी मध्य प्रदेश एवं सोशल मीडिया प्रभारी गीता पांडे, अरविंद विसेन संगठन प्रभारी रीवा, एडवोकेट अभिषेक सिंह मीडिया प्रभारी रीवा जिला, बीएस तोमर, रामखिलावन साहू, अखिलेश तावड़े, अखिलेश पटेल, शिवम सिंह तिवारी, ज्योति तिवारी, प्रिया पटेल, सैलू पांडे, पूजा पांडे, सुनीता पांडे, सविता तिवारी, आकांक्षा सिंह, शकुंतला पटेल, राजकुमारी सिंह, रितु सिंह, सुनीता सिंह, कंचन पटेल, अंशुमान तिवारी, पुष्पेन सिंह, पीपी सिंह, मिथिलेश पाठक, किरण सिंह, सुचित त्रिपाठी एवं पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज परम श्रद्धे आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज का अवतरण दिवस, उनके अवतरण दिवस में हम सब पतंजलि परिवार के भक्त और श्रद्धालु जड़ी बूटी दिवस के रूप में औषधि वृक्षों का रोपण कर उनके जीवन को और उन्नत बनाने के लिए, दीर्घायु बनाने की कामना करते हुए इस 4 अगस्त को जड़ी बूटी के रूप में मनाकर हम पतंजलि परिवार के सभी श्रद्धालु उनके इस पतंजलि परिवार को दिन प्रतिदिन 100 गुनी वृद्धि होती रहे ऐसा भाव करते हुए इस कार्यक्रम को हम संपन्न किए हैं। साथ ही यज्ञ और हवन करके सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करते हुए इस कार्य को आज पूर्ण किया गया। आज सबसे प्रथम कि आचार्य श्री के जो जन्म दिवस के रूप में हम बल्कि एक नया फंक्शन नहीं, हम बल्कि अपने भारतीय जो हमारी ऋषि परम्परा रही, उस ऋषि परम्परा के संवाहक हमारे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी और उनके नेतृत्व में आज रीवा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और अच्छे सही तरीके से किस प्रकार औषधियों का हम अपने घर में लगा के और उसका कैसे हम अपने शरीर को संवर्धन कर सकते हैं, उस पर विशेष आचार्य श्री का आयोजन रहता है कि हम अच्छा कार्य करें और देश को हम समृद्धिशाली बनाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे।